एक जंगल में एक गरीब कालू कौआ रहा करता था। कालू कौआ हमेशा लोगों से भीख मांग के अपना गुजारा किया करता था। दो वक्त के भोजन के लिए भी वह इधर उधर जंगल में भटकता रहता था। अरे भैया, मैंने कल से भोजन नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दे दो भैया। अरे जा, तू इतना जवान होकर भीख मांगता है, काम कर। हाँ। हे भगवान, इस दुनिया में कितने निर्दयी लोग हैं, उनके पास इतना सब खाने को है, फिर भी कोई मुझे कुछ खाने को नहीं देता है। दूर खड़ी टुनटुनी उसकी यह सब बातें सुन रही थी। तभी टुनटुनी उसके पास आती है और उसे एक 500 का नोट देती है। कह लो, शायद इससे तुम्हारा गुजारा हो जाए। अरे अरे, ये तो बहुत है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, मेरे पास बहुत कुछ है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने तो तुम्हें कुछ दिया है। दोस्तों, जब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं यहीं आकर तुम्हें बहुत कुछ दे दिया करूंगी। ऐसा कह के टुनटुनी वहां से चली जाती है, क्योंकि टुनटुनी एक रईस बाबा की इकलौती औलाद थी। अब टुनटुनी चिड़िया दूसरे दिन भी उस भिखारी के पास आई और उसके लिए खाने को भी कुछ लाई। धीरे धीरे उनमें गहरी दोस्ती होने लगी और वह गहरी दोस्ती टुनटुनी चिड़िया में प्यार में बदल गई, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया उस भिखारी से प्यार करने लगी। एक दिन यह सब टुनटुनी चिड़िया की माँ ने देख लिया और उसने यह सब अपने पति से कह दिया। तभी टूनी चिड़िया के बाप ने टूनी को एक कमरे में बंद कर दिया। तेरे पर बहुत निकल आए हैं, उस दिन तू इसी में बंद रहे। तो टुनटुनी चिड़िया उस कमरे में बहुत रोती रही। एक दिन मौका मिल गया और वह भाग गई। तभी भाग कर सीधा कालू कौआ के पास आई। कालू जी, अगर मुझे आप न मिले तो मैं मर जाऊंगी। क्या टुनटुनी जी, आप ये क्या कह रही हैं? लेकिन मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक बहुत ही गरीब कौआ हूँ। मुझे तुमसे प्यार है कालू जी, तुम्हारे पैसों से नहीं। टुनटुनी और कालू शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कालू कौआ और टुनटुनी के रहने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने अपना गांव भी छोड़ दिया था। यही टुनटुनी और कालू कौआ ने मेहनत करके एक बहुत सुंदर झोपड़ी बना ली। उसी में दोनों पति पत्नी प्यार से रहने लगे। वह जंगल से कुछ फल तोड़कर लाता और दोनों पति पत्नी उस फल को खाते। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल में जा रही थी, तभी उसे एक साधु दिखाई देते हैं। साधु को वह बेहोशी की हालत में देखती है तो उन्हें पानी पिला देती है। पानी पीकर साधु बहुत तृप्त हो जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया से कुछ खाने को मांगते हैं। टुनटुनी चिड़िया जंगल से तोड़े हुए फल उन्हें खाने को दे देती है। तभी वह टुनटुनी चिड़िया की गरीबी की हालत भी समझ जाते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देके वहां से चले जाने को कहते हैं। टुनटुनी चिड़िया कालू के पास आकर कालू को सारी बातें बताती है। कोई बात नहीं टुनटुनी, अच्छा किया तुमने उन्हें खाना खिला दिया। दोनों सो जाते हैं। उसके बाद जब वह सुबह उठते हैं तो अपनी झोपड़ी में जरूरत की सारी चीजें देखकर चौंक जाते हैं। लगता है यह उन्हीं बाबा की मेहरबानी है। उसके बाद वह भोजन खा लेते हैं। जब जंगल से वापस लौटकर आते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक बहुत ही सुंदर घर बना हुआ था। बाद वह उस झोपड़ी में चले जाते हैं तो अपना सारा सामान देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह झोपड़ी हमारी ही है। उसके बाद दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी कटने लगती है, फिर वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया अपने बेटे कालू और बेटी टूनी के साथ रहती थी। कालू कौआ अपने दोस्तों के साथ बाहर हमेशा खेलने चला जाया करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया, हे भगवान, मैं इस बच्चे का क्या करूं? यह तो मेरे घर में टिकता ही नहीं है। बेटा देख जरा, तेरा भाई कहाँ है? टूनी चिड़िया अपने भाई को ढूंढने बाहर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता और बारिश भी होने लगती है। टूनी चिड़िया वापस आ जाती है और कहती है, माँ यहाँ तो कोई नहीं है, सारा जंगल मैंने छान मारा लेकिन भाई का कहीं पता नहीं चला। दोनों माँ बेटी अपने घोंसले में बैठी थी,
तभी बारिश भी बहुत तेज होने लगती है और टुंडनी चिड़िया को कालू की चिंता होने लगती है। हे भगवान, जल्दी से मेरा बच्चा आ जाए। लेकिन उसका घोंसला धीरे धीरे टूट रहा था। दोस्तों, जब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद धीरे धीरे घोंसले में पानी भर चुका था। तभी वहाँ पर कालू आता है। माँ, ये क्या हो रहा है? अब मैं घोंसले में कैसे आऊँ? बेचारी टुनटुनी चिड़िया कोई जवाब न देते हुए रोने लगती है। अब मैं अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? टुनटुनी चिड़िया का घोंसला बारिश में बहने ही वाला था। टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर भाग जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे भगवान, इतनी बारिश में अब मैं क्या करूंगी? वह ऐसा कह ही रही थी तभी अचानक से वहां पर एक बिजली का तार आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया को करंट लग जाता है। बेटा, तू अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। अब मैं ज्यादा जीवित नहीं रह पाऊंगी। बस मेरा जाने का समय हो गया है। लेकिन माँ, माँ, हम आपके बिना कैसे रहेंगे माँ? उसी टाइम टुनटुनी चिड़िया मर जाती है। उसके बाद कालू कौआ अपनी छोटी सी बहन को लेकर जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी टुनी, मैं अपने दोस्तों के साथ जब खेलने जाता था तो वहाँ पर बहुत सारे पुराने तरबूज रखे हुए थे। कौआ एक बड़े से तरबूज के पास आ जाता है और कालू कौआ भरी बारिश में ही उस तरबूज को खोखला करके एक सुंदर सा घर बना देता है और अपनी बहन टुनी को लेकर उस घर में चला जाता है। इधर जंगल में बहुत तेज बारिश के कारण सारा जंगल पानी में बह रहा था। पक्षी बहुत परेशान हो गए थे, जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उन्हें वही तरबूज का घर दिखाई दे जाता है। अब सारे पक्षी तरबूज के बाहर खड़े होकर कहते हैं, सुनो भाई, इसमें कौन है? कोई है तो हमारी मदद करो। तभी टुनी चिड़िया सारे पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है। इसके बाद सारे पक्षी उस बड़े से तरबूज के घर में रहने लगते हैं। ऐसा करने से उन अनाथ बच्चों को माँ बाप का प्यार फिर से मिल जाता है। टुनटुनी चिड़िया माँ बनने वाली थी, लेकिन भरी बरसात में वह अपने लिए भोजन का इंतजाम करने जा रही थी। बारिश तेज थी और टुनटुनी चिड़िया चली जा रही थी। तभी उसे बहुत सारा भोजन दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया दाना खाने के लिए जैसे ही खेत में रुकती है तो कहती है, हाय राम, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे अंडे देने में तो अभी काफी समय है, लेकिन मुझे क्यों दर्द हो रहा है? उससे दाना नहीं खाया गया और वह वापस घर की ओर चल दी। लेकिन टुनटुन चिड़िया के पेट में बहुत तेज दर्द था तो वह वहीं पर रुक गई। तभी उसे सामने एक छोटा सा घोंसला दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया उस घोंसले में चली गई और जैसे ही घोंसले में गई वहाँ उसके अंडे हो गए। तभी टुनटुनी, हे भगवान, पता नहीं यह किस पंछी का घोंसला है, ऐसे बातें वह कर ही रही थी तभी वहाँ पर एक सुंदरी नाम की कौवी आ जाती है। दोस्तों, जब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अरे ए चिड़िया, तू कौन है और मेरे घोंसले में क्या कर रही है? टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। ठीक है, लेकिन तू जल्दी से जल्दी अपने अंडे उठाकर सुबह यहाँ से चली जाना। ठीक है बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं बहुत भूखी हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ तुम मेरे अंडों का ख्याल रख लोगी? हाँ हाँ, तू जा, मैं तेरे अंडों का ख्याल रख लूंगी, कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सुंदरी कौवी उसके अंडों का ध्यान रख रही थी। तभी वहाँ पर एक खतरनाक चील आ जाती है। चील जी, यह आपका घोंसला है? हाँ, यह मेरा घोंसला है। मैं यहाँ पर बहुत से पंछियों को खाकर आराम करती हूँ। अरे वाह, कितने रसीले और मुलायम अंडे हैं, मैं अभी खाती हूँ। तभी चील उन अंडों को जैसे ही खाने वाली होती है, कौवी उससे लड़ने लगती है। लेकिन चील उस कौवी को घायल कर देती है और अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद
चील अंडों को ले जाकर एक सुराग में रख देती है। यहाँ पर बहुत सारे अंडे पहले से ही रखे हुए थे। इधर टुनटुनी चिड़िया जब भोजन करके वापस आती है तो कहती है, अरे सुंदरी बहन, आपको क्या हुआ है? आप यह घायल कैसे हो गए? टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को देखकर कहती है, मेरे अंडे कहाँ है? मेरे अंडे। लेकिन वह बहुत दुखी होती है और सुंदरी कौवे को अपने घोंसले में ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी कर देती है। तभी वहाँ पर एक तोती आती है। लेकिन मैंने अभी अभी यहाँ पर एक खतरनाक चील को जाते हुए देखा था, जो बहुत बड़े बड़े दो अंडे ले जा रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया उसके कहने के बाद चील के पीछे जाती है, लेकिन वहाँ पर चील नहीं थी और वहाँ देखती है कि बहुत सारे अंडे रखे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया उनमें से अपना अंडा पहचान लेती है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपना अंडा उठा के वहाँ से भाग जाती है और फिर वह उन अंडों को अपने घोंसले में ले जाके रख देती है। रात बीत जाने पर सुबह टुनटुनी चिड़िया के अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया का धन्यवाद करके सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती।